मध्य प्रदेश के होशंगाबाद या नर्मदापुरम में तेजी से मतदान चल रहा है, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कई लोग भी हमारे साथ हैं और खास बात तो यह है कि दूल्हे सा राजा भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज आपकी शादी है, खास दिन है, मगर खास दिन ये भी है कि आज सभी लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। क्या आपने वोट किया या करेंगे? वोट किया है, सुबह 8 बजे जाकर ETRC में मैंने वोट किया है। और मेरा किन मुद्दों पर आज आपने वोट किया, क्या जहन में चल रहा था? बस देश में अच्छा काम हो, यही हम चाहते हैं, और पब्लिसिटी अच्छा काम हो, बस यही मेरी इच्छा है। जितने भी आपके परिवार के सदस्य थे, दोस्त यार बाराती, सबसे आपने अपील की कि सबसे पहले आप मतदान करेंगे, उसके बाद ही हम सारे काम करें? जिसको बीच में टाइम मिल रहा है वो अपना मतदान देने जा रहा है और शादी में भी अटेंड हो रहा है। आप बताएं, आपने मतदान किया? जी हाँ, मैंने मॉर्निंग में ही मतदान किया है, और मेरी सभी से यही अपील है कि हाँ, वोटिंग हमारा एक काइंड ऑफ नो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ इंडियन नेशनलिटी। सो डेफिनेटली सभी को जाके मतदान करना चाहिए। मैं दूल्हे का बड़ा भाई हूँ, बट हाँ, मॉर्निंग में मैं गया, मतदान किया, एंड देन अपने रेस्ट ऑफ द वर्क। आज प्रधानमंत्री आज भी रैली सभाएं कर रहे हैं, आगरा में उन्होंने सभा की, उसमें उन्होंने खास बात कही कि लूट का पैसा गरीबों को मिलेगा और लूट का पैसा जनता को देने पर काम भी जारी है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, काम जारी है, ये अच्छी बात है, बट देखना वही है कि कब ये अंजाम तक पहुँचता है ना। ऐसे कई सारे काम हैं जो आई थिंक चालू हैं और अच्छी तरीके से चल रहे हैं, बट देखते हैं कब तक अपने को आउटपुट मिलता है ना। ठीक है। आपसे बात करते हैं सर, क्या नाम है आपका? या मस्तन सर। प्रधानमंत्री ने कहा है आगरा की सभा में कि लूट का पैसा गरीबों को जरूर मिलेगा। लूट का पैसा, लूट कौन सा है पहले तो ये बताइए, लूटा हुआ पैसा कौन सा है, किसको मानते हैं लूटा हुआ पैसा? बैंक का लूटा हुआ पैसा या लोगों को कर्ज दिया है जो लेके चले गए हैं बड़े बड़े लोग, उनको मानते हैं आप? किसको मानते हैं लूटा हुआ पैसा, किसको मानेंगे आप? या ब्लैक मनी है उसको लूटा हुआ मानेंगे आपको? अभी लूट के पैसे की बात नहीं है, अभी तो हमारे देश को आगे बढ़ाने की बात है, एकता की बात है। आप बताएं आपका क्या नाम है? मैं विजय गुप्ता। विजय सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि लूट का पैसा गरीबों को जरूर मिलेगा, क्या कहेंगे आप? हाँ, जिसने देश को लूटा है 50-60 साल से, उनका पैसा जब्त करके आम लोगों में बांट देना चाहिए, और ये महान पर्व है, मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलकर वोट करे और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, और सच्चे जो उम्मीदवार है उनको वोट देना चाहिए। आपका क्या नाम है? गौरव गुप्ता। प्रधानमंत्री का बड़ा बयान आया है आज कि लूट का पैसा जो है वो गरीबों में बटेगा, बांटने का काम भी जारी है। बहुत अच्छा फैसला मेरे हिसाब से ये, और अगर कालाधन सभी वापस लाना है तो इसी तरह से ला सकते हैं। अगर आप बोलोगे स्विस बैंक से डायरेक्ट यहाँ आए तो वो मुश्किल है आना, पहले जो इंडिया के अंदर जो काला धन है उसे पहले वापस लाया जाए। जैसे जो जो मंत्रियों के पास में निकल रहा है, रेड मार रहे हैं, कई लोग बोलते कि ये जातिवाद कर रहे हैं, है ना, कि बीजेपी वालों पे रेड नहीं डाल रहे हैं सिर्फ। आपका क्या नाम है? चेतना गुप्ता। आप बताएं कि जो प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है कि लूट का पैसा गरीबों को जरूर मिलेगा, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली मिलेगा, प्रधानमंत्री बोले हैं तो जरूर वो करेंगे। भरोसा है? या पूरा भरोसा है। मैम आपका क्या नाम? नीरजा फौजदार। आप बताएं, प्रधानमंत्री का आज बड़ा बयान आया है, कुछ ही देर पहले आगरा में सभा की है, कि लूट का पैसा गरीबों को जरूर मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी तो वैसे भी गरीबों को पैसा दे रहे हैं, हमारे जैसे मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, 1200 रुपया प्रति माह सभी लोगों के खाते में आ रहे हैं। आपको भरोसा है कि ये पैसा जरूर मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी पे तो 100% भरोसा है, क्योंकि मोदी जी ने हमारे भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है और सम्मान दिलाया है। आप बताएं आपका क्या नाम? जी अमन सोनी नाम है मेरा, और मैंने वोट दे दी है, और भारतीय जनता पार्टी का भी बढ़िया चल रहा है, सभी जो है ना शहर में भी वोटिंग का बड़ी तेजी से चल रहा है। थैंक यू। तो कई लोगों से हमने बातचीत की है और लोग यही कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने कोई बात कही है तो सोच समझ कर कही होगी और वो जरूर लागू भी होगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, नर्मदापुरम।